गवाह इस बात की कि वी हैव ऑलवेज अचीव्ड द इम्पॉसिबल द वर्ल्ड फॉर कैन नेवर बी डन बी डन बच्चों जो फैसले अल्लाह कर देता है अल्लाह के बंदों की जबान से वो सिर्फ अदा होते हैं उन फैसलों में कोई तब्दीली नहीं होती लेकिन इंसान खुश नसीब होते हैं जो अपने आप को उस फैसले का हिस्सा बनाते हैं अपने वक्त के मिजाज को समझो आज अल्लाह ने कुछ फैसले कर कुछ फैसले हो चुके हैं कुछ फैसलों ने होना है कुछ फैसले अमल पजीर हो चुके हैं कुछ फैसलों ने अमल पजीर होना है ये अल्लाह का हुक्म और फैसला था अगेंस्ट ऑल ऑड्स अगेंस्ट ऑल इम्पॉसिबिलिटीज पाकिस्तान विल बी क्रिएटेड इट वॉज क्रिएटेड अल्हम्दुलिल्लाह 50 लाख शहदा के साय में ये मुल्क बना है ये मुल्क इसको छोटा नहीं समझना ये पूरी 1400 साल की उम्मत की तारीख लेकर अपने साथ आया है अल्लाह उसके रसूल का साया है इसके ऊपर ये पाक सर जमीन ये किश्वर हसीन ये सब जिलाली परचम ये परचम है सितारा और हिलाल तरक्की और कमाल ये तर्जुमान माजी भी है शान हाल और जान इस्तकबाल भी है और इस पर साया होता है जलाल मायूस मत होना कभी बात जहन में रखो बच्चों अल्लाह के फजल से तुम्हें बताएं इस पाकिस्तान का पोटेंशियल क्या है हमें आज कहा जाता है कि इस पाकिस्तान में है क्या ये पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा ये पाकिस्तान क्यों बनाया हमने आए आपको बताएं इस पाकिस्तान का रोल अब तक हम क्या रोल अदा कर चुके हैं आज अगर पूरी मशरक और मगरब में मुसलमानों की आबरू की हिफाजत किसी हद तक अगर की जा रही है तो आपके इस पाकिस्तान की वजह से आपके दुश्मन आपको ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं नोट नहीं करते मेरे बच्चों अल्लाह के फजल से हमने जिस फील्ड में हाथ रखा है उसकी उरूज पर पहुंचे हैं कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये पाकिस्तान बच जाता अल्लाह के फजल से 1947 में हम बचे भी हम उरूज पे पिपाए हमें चोट लगी 71 में कोई बात नहीं कौमों को लगती है लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक ये पाकिस्तान जिसको दुनिया समझ रही थी कि अब ये पहले 47 के बाद फिर 71 के बाद नहीं बचेगा वी रोज टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर जिसको दुनिया समझती थी ये कमजोर मुसलमान मुल्क है हमने सोवियत यूनियन से टक्कर ली तोड़ के इसको अलग करके रख दिया 20 करोड़ मुसलमान आजाद कराए जो सेंट्रल एशिया में पिछले 150 साल से सोवियत गुलामी में पाकिस्तान एयरफोर्स इज द ओनली एयरफोर्स इन द वर्ल्ड जिसने बैक वक्त इंडियन एंड इसराइली एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर कॉम्बैट में मार के गिराया हुआ दे आर स्केयर्ड ऑफ अस दे टेररिज ऑफ अस दुनिया की फोर्सेस को हम तरबियत देते हैं और ट्रेन करते हैं वी आर द रिचेस्ट कंट्री ऑन दिस गॉड्स अर्थ वी आर द बिगेस्ट ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल वी आर द मोस्ट ब्रिलियंट सिविलाइजेशन एंड मोस्ट एजुकेटेड पीपल इन द मुस्लिम वर्ल्ड विद अस दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम हमारे पास है दुनिया का सबसे बड़ा गल्ला पैदा करने वाला मुल्क हम है दुनिया के सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल से इश्क और मोहब्बत करने वाली कौम है रियलाइज द टाइम इन विच यू हैव बीन बॉर्न अब हम आपको वही बात दोबारा रिपीट करते हैं खुश नसीब हो के दौर में पैदा किया खुश नसीब हो के अल्लाह ताला ने अपनी तकदीर तुम्हारे हवाले कर दी तुम्हारी तकदीर उसकी तकदीर बने तुम्हारी रजा से वो लिखेगा कि क्या करना चाहता है लेकिन शर्त उसकी एक दे दी उसने कि मोहम्मद से वफा से मुताबिक रहना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खयानत नहीं करना डू नॉट बिट्रे योर रसूलुल्लाह ऑन द डे ऑफ जजमेंट यू शुड नॉट बी अशेम्ड इन फ्रंट ऑफ हिम